खंडवा में बड़गांव भीला रोड स्थित हिंदुजा फार्म हाउस पर रविवार के दिन रंग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा था। इस दौरान फार्म हाउस के ऊपरी हिस्से में बनी टंकी का पानी उछलकर पड़ोसी के किचन में जा घुसा तो पड़ोसियों ने फार्म हाउस के मालिक से पानी रोकने की बात कही। इसी बात पर विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों को चोट आई है। फार्म हाउस के पड़ोस में रहने वाली युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई। युवती की शिकायत पर थाना मुगट रोड पुलिस ने कॉलोनाइजर अमित हिंदुजा निवासी सिंधी कॉलोनी सहित अन्य पर छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस खबर के वायरल होने के बाद अमित हिंदुजा और उनके साथियों ने अपना पक्ष रखा, जिन्होंने बताया कि टंकी का कुछ पानी उछलकर पड़ोस में जा गिरा, जिस पर आपत्ति जताते हुए पड़ोस में रहने वाले लोग टीन सेट से चढ़कर ऊपरी मंजिल में आ गए, जिनके कहने पर उन्होंने पानी तो बंद कर दिया, बावजूद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने पानी की टंकी में नहा रहे लोगों को पकड़कर अपनी ओर खींचा, जिससे कुछ लोग टीन शेड पर गिर गए, जिससे टीन शेड धस गया। इसके बाद कुछ बाहरी लोग फार्म हाउस में आए और उन्होंने फार्म हाउस में घुसकर मारपीट की, जिससे सिंधी समाज के कई लोग घायल हुए हैं। पड़ोसी के समर्थन में आए लोगों ने लोहे की रॉड, लठ, बोतल और हथौड़ी से जानलेवा हमला किया, जिससे राकेश संतवानी के सिर में गंभीर चोट आई है। एक युवक रोशन दीक्षित का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। जीतू रामलानी की एक आंख पर भी चोट लगी है तो वहीं राजेश ज्ञानचंदानी की कलाई भी चोटिल हुई है। इस तरह पड़ोसी के साथ आए लोगों ने फार्म हाउस में घुसकर जानलेवा हमला किया। सर मैं बस 4:30 बजे वहां पहुंचा ही था और जस्ट आके रुका ही था, कुछ विवाद चल रहा था और इतने में पीछे से एक जन आके, शायद उसका नाम रोहित था या नितिन था, पीछे से आके उसने मुझे सर पे सरिये की रॉड मार दी और इतने में मुझे खींचने की उसने कोशिश करी कि मैं ज्यादा टीन शेड की तरफ जाऊं। इतने में कुछ लोग मित्र मुझे बचाने आया तो उन लोगों को उन्होंने पकड़ के पीछे टीन शेड पे गिराया जहां विवाद चल रहा, और मुझे लगने के बाद समझ नहीं पड़ा। मैं तो तुरंत एक मित्र मुझे लेके नीचे आया और हम नीचे आके रुके, बाहर आके देखा तो ये लोग लठ चला रहे हैं, पाइप चला रहे हैं, मतलब अन्यथा हथौड़ियां मार रहे हैं, लोगों को विवाद बढ़ा रहे थे। अमित हिंदुजा ने बताया कि मामूली बात पर हुए विवाद की जानकारी लगने पर वह समझाइश देने और विवाद शांत कराने गए तो उनका नाम भी जानबूझकर घसीटा गया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वे और उनका समाज निंदा करता है। रंगमंच का त्यौहार था, हमारे समाज के कुछ युवा, कुछ बच्चे फार्म हाउस पे, हमारे फार्म हाउस पे रंगमंच मनाने गए थे और हमारे ऊपर स्विमिंग पूल बना है, टंकी है जो भी है उस पर नहा रहे थे। अब नहाने के दौरान कुछ पानी जो छत से उधर दूसरी छत पे गया, छत पे जाने से वो उनकी आपत्ति आई कि आप हमारे यहाँ पानी फेंक रहे हैं, तो हमने उसको टंकी उनकी हमने बंद करा दी थी, जो हमको जब जानकारी हमारे स्टाफ चौकीदार को मालूम पड़ा। इसके बाद उनकी गाली गलौज चलती रही, वो टिप्पणियाँ करते रहे, हमारे समाज के ऊपर बातें करते रहे, हमारे जो मित्र थे, जो दोस्त मित्र थे, युवा लड़के थे, उनसे भेदभाजी करते रहे, पर वो चुप ही नहीं हो रहे थे। खासकर वो समाज में टिप्पणियाँ करे जा रहे थे, पर इसका अपना हमारे समाज के युवाओं ने विरोध जताया। उसके बाद उन्होंने हाथापाई पे आ गए, उन्होंने हमारे मित्र को उन्होंने अपने अपने साथ खींच लिया और उसको सरिया मार दिया। सरिये से काफ़ी वो हुआ, मतलब एकदम हाथापाई माहौल बन गया और काफ़ी जो चीफ शेड था वो नीचे गिर गया उनका। बस इतनी सी बात थी और इस विवाद चक्कर में उन्होंने हमारे घसीटा जा रहा है जबरदस्ती के, और ऐसा कोई विवाद था ही नहीं जो बड़ा विवाद था, ऐसे मामूली पानी के विवाद के जैसे ही इस विवाद को बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है और हमें बदनाम किया जा रहा है। आप थे वहाँ? मैं नीचे था और मुझे फिर फ़ोन आया कि भाई मैं तो ऊपर आई, ऊपर कुछ झगड़े हो रहे हैं, मैटर हो रहा है, अब ऊपर आइए। तो जब मैं ऊपर गया तो जब मैंने मैटर को शांत कराने की कोशिश करी और सबको समझाइश देने की कोशिश करी, आप मेरे अगर कुछ फुटेज जो अभी आ रहे हैं उसमें आपको मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं झगड़े को शांत कराने की कोशिश कर रहा हूँ और इस मामले को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अभी ऐसा क्यों कर रहा है, इसी बातें क्यों चल रही हैं, वो मुझे हमारी समझ से परे हैं। ये सब एक सोजिश है, हमने साजिश है। आज डॉक्टर साहब का नाम है, आज हमारे परिवार का नाम है, ये खासकर उसको सिर्फ घसीटा जा रहा है और कुछ नहीं है, और उसकी हम निंदा करते हैं। बाकी ऐसा वैसा कुछ है नहीं।